के लाल की, जो रिटायर्ड होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी है। और ये है इनका छोटा बेटा आकाश। क्या कमी की है? तुमने कुछ मांगा, मैंने हमेशा लाकर दिया। अरे क्यों रही पिताजी, उस दिन मैंने कहा पजामे लाकर दो तो बिना नारे का उठाना है। दो धर्म जो बचते थे। ये है इनकी पड़ोसन चंद्रावती, जो यदा कदा इनके यहाँ आती रहती हैं। जत्सा जत्सा, एक बात पूछूं, आप तो इतने बड़े जज हैं, कानून भी जानते हैं, क्या वसीयत में पड़ोसी का भी हक बनता है? एक दिन पाताल इनका बड़ा लड़का मगर आवारा आया। आपका खत है? मेरा खत? हाँ पिताजी। अरे ये तो मेरे दोस्त प्रोफेसर पाली राम का खत है। अच्छा? हाँ, बड़ा लखपति दोस्त है, वो आ रहा है। हाँ। बड़ी खुश खबर है पिताजी, भैया सुनेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। मैं भी उनको भेजता हूँ। अपने बेटे का रिश्ता अपने दोस्त प्रोफेसर पानीराम से करने वाले जस्टिस केलाल पानीराम को देखकर चौंके क्यों? आइए इसी समस्या को सुलझाने हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं विरासत में हिरासत। हिरासत, अगर अदालत होती तो दफा 159 लगाकर इनकी बोलती बंद कर देता, मगर क्या करूं, गलती मेरी है। न भूलने की आदत होती और न उस दिन पैंट पहनना भूलता। कोट हैंगर से कुछ इस तरह खींचा कि पैंट जा गिरी अलमारी में और मुझे लगा कि मैंने पैंट पहले ही पहन रखी है। अदालत होती तो एक एक को देख लेता, मगर क्या करूं, ये घर है। 50, 60, 70, 80, 90 मैंने 100 पूरे कर लिए। ये तो 100 थे मेरे कुत्ते मेंढक। तो पिताजी 60 होंगे? नहीं 70 होंगे। क्यों, तू सचमुच मेरी औलाद है, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता? याद है पिताजी। क्या? यही, आपने कहा था कि खाना खाने के बाद कूदना नहीं चाहिए वरना खाना पूरा बाहर आ जाता है, इसीलिए मैंने खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लिया। तो मेरे नए
जल्दी। फिर तो पहले पानी बाहर निकलेगा। नहीं पिताजी। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर लॉक जो लगा दिया है। लॉक? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ढेर सारा पानी पीने के बाद एक बड़ा रसगुल्ला जो खा लिया था, लग गया ना लॉक। तेरी शरारत करने की आदत नहीं जाएगी बेटे की उम्र शादी की है, शरारत की नहीं। सच पिताजी? हाँ। तो मैं किसके साथ शादी करूँ, कहाँ शादी करूँ, तब शादी करूँ, क्यों शादी करूँ, हैं? क्यों सारी आदतें मेरी पाल रखी हैं? भाई कोई काम खुद भी सोच के कर लिया करो। सोचा है पिताजी। सच? तो मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं पिताजी, मैं बाहर जाऊंगा, हाँ, सीटी बजाऊंगा और एक लड़की आएगी। अरे वाह मेरे मिट्टी के शेर। फिर मैं उससे पूछूंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अगर पिताजी वो मान गए तो क्या मैं उसके साथ शादी कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन अगर उसने तुझे डांटा तो? तो क्या मैं कोई डरने वाला हूँ? अरे वाह भाई, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तेरी माँ के सामने मैंने इतनी हिम्मत नहीं की। और पिताजी अगर वो गुस्से होगी ना तो मैं उसे कहूंगा बहन जी ये सब पिताजी ने कहा था कहने के लिए। अदालत होती तो इस पर तहत 300 लगाकर इसको इस दुनिया से ही दफा करते। अरे पिताजी, हाँ? क्यों उस बेचारे को हर वक्त कोसते रहते हैं आप? कोसू नहीं तो और क्या करूँ? दो बेटे हैं मेरे, मगर न काम के न काज के, बैगन अनाज के। कमाल है, मैं तो कहता हूँ पिताजी ये सब आपकी गलती है। तू बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, वो भी मुझे इसी तरह डांटा करती थी। कमाल है, फिर भी आपने अपनी इस कंजूसी की आदत को नहीं बदला। बेटे पैसे या तो बचत से आते हैं या फिर लॉटरी से। अरे पिताजी अब बचत का ये मतलब तो नहीं, क्या हमारी इच्छाओं पे बिल्कुल ध्यान ही ना दें? क्या कमी की है मैंने, क्या कमी की है? जब जब तुमने कुछ मांगा मैंने लाकर दिया। क्यों नहीं पिताजी, उस दिन मैंने कहा पजामे लाकर दो तो बिना दाड़े का उठा रहा है। 2 दरहम जो बचते थे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर कहा उसको पिन लगाकर पहनो, रस्ते चलते अगर पिन खुल जाती तो क्या होता? तो क्या पिन नहीं लगती पेट में? अरे नालायक, इतना ही शौक है पैसे खर्च करने का तो नौकरी क्यों नहीं कर लेता? नौकरी? अरे पिताजी कौन देगा हमें नौकरी? काश पिताजी, अरे आपने पैसे बचाने के चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं छुड़वाई होती। बेटे मायूस होने की जरूरत नहीं, भाई जाकर कहो यू आर सन ऑफ जस्टिस के लाल, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कहा था फिर? उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें नौकरी देंगे तो कौन सी दफा लगाओगे, 150 या 160, और अगर नौकरी नहीं दी तो कौन सी दफा लगेगी, 250 या 260। मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मुझे क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूँ पिताजी कि बाहर जाने पे कौन सी दफा लगेगी। कानून की इंसल्ट, अदालत की इंसल्ट, जज की इंसल्ट, तुम्हें उस वक्त तक अदालत में खड़ा होने की सजा सुनाई जाती है जब तक अदालत खत्म नहीं हो जाती। चला गया वो, चला गया तो मैं आ गई। अरे चंद्रा तुम? ये जो जस्ता है। भाई कैसी हो? ठीक हूँ, बीजो सो बोलो। बोलो? अरे भाई बोलो, कुछ तो बोलो। मारी सास छे ना? क्या तुम्हारी 6 सास हैं? अरे नहीं, हा? मेरी सास है ना। अच्छा तुम्हारी सास है? हाँ, वो बेचारी बहुत बुरी है। बेचारी बहुत बुरी है, इस पर दफा। बेचारी बुरी है भाई, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि वो बुरी है। तो बता दो। यही तो बताने गई थी। तो उसने तुम पर गुस्सा किया? नहीं, उसके हाथ में जो बेलन था ना, तो उसने वो बेलन तुम्हें मारा? अरे नहीं, वो बेलन उसने दूसरे हाथ में पकड़ा। शी सिलेक्ट यू? अरे नहीं, हाँ? उसने अपना हाथ मेरे बालों पर रखा। तो उसने तुम्हारे बाल खींचे? वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग, इस पर दफा। अरे अभी दफा मत लगाइए, उसने मेरे बाल नहीं खींचे। क्या कहा? बाल नहीं खींचे? अरे भाई तो फिर क्या खींचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ तो किया होगा। हाँ, उसने कहा क्या ये पहली? हाँ? उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा जीती रहो बहू, अच्छा हुआ जब तुमने मुझे बता दिया कि मैं बुरी हूँ। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? रोऊं नहीं तो क्या करूँ, दुनिया की ये पहली सास है जिसने अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? भाई अच्छा हुआ मैं पहले ही रिटायर हो गया, वरना इस पर कौन सी दफा लगाकर इसको इस दुनिया से दफा करता। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी वगैरह भेजता हूँ। एक रुमाल भी भिजवाइएगा। रुमाल? भाई वो क्यों? मेरी नाक जो बह रही
है। ओहो, एक तो ये तुम्हारी नाक बहुत बैठी रहती है। पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुगे खेत। अरे यार तुम कभी चुप भी रहा करो ना। पिताजी देखिए ना, अब हमारी आगे की इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अरे हमें उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। ठीक है बेटा, सोचो भाई, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। पिताजी आप यही बात एक कागज पर लिख कर दें, पता नहीं कब भूल जाए। अरे यार ये सब कागज पर लिख के देने की जरूरत नहीं है। शाबाश, तुझे मुझ पर विश्वास है। वो बात नहीं है पिताजी, अरे ये सब कागज पे लिख के देने से अच्छा है कि आप एक वसीयत क्यों नहीं लिख देते। हाँ वसीयत। हाँ पिताजी। क्यों, तुम्हें पैसे मांगने में क्या शर्म आ रही है जो मुझसे वसीयत लिखा रहे हो? पिताजी भैया को बाहर दोस्तों से उधार मांगने में इतनी शर्म नहीं आती जितनी आपसे पैसे मांगने में। तो जाओ जाओ मांगो भी। अरे पिताजी तो कहीं से तो पैसे मिलने चाहिए ना, और कोई दूसरा रास्ता भी कब है? पैसे एक तरीका है मेरे बच्चों। क्या पिताजी? वो ये कि तुम दोनों की किसी लखपति लड़की से शादी कर दी जाए, तो जहेज में जायदाद मिलेगी। ओह पिताजी, हम दोनों ना तो पढ़े लिखे हैं, नहीं हमारी कोई नौकरी है, गुलामी छोकरी बन देगा। भाई तुम दोनों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है क्या? यू आर मदरलेस चाइल्ड। क्या क्या मतलब भाई? मतलब ये कि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहाँ कोई सास ना हो। भाई न रहेगी सास और न बजेगी सासरी। पिताजी पोस्टमैन, मैं अभी आया। पोस्टमैन? पोस्टमैन भाई हमारे घर में? भाई मुझे कौन लगता है पड़ोस में आवाज दी होगी। पिताजी वो गलती से उठाने चला गया। अरे पिताजी मुझे याद आया, अरे आपने लास्ट दिवाली की उसे बख्शीश ले दी है, वो ही लेने आया होगा। बेटे अगर वो बख्शीश लेना है तो कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। पिताजी पिताजी आपके नाम खत आया है। क्या खत? मेरे नाम खत? हाँ पिताजी खत। बख्शीश के नाम पर मुझे डरा दिया। खत भाई देखें तो किसने लिखा है खत, हमें किसने खत लिखा है? तुम्हारे खत? इस तरह क्या देख रहा है, पहली बार देखा है क्या?
पिताजी आज पहली बार तो घर में खत आया है। अरे आप पैसे बचाने के चक्कर में किसी को खत ही कब लिखते हैं? सही बात है बेटे, शादी से पहले हम तुम्हारी माँ को खत लिखा करते थे। देखे तो किसका खत है? अरे ये तो मेरे दोस्त प्रोफेसर पानीराम का खत है। तो मैंने कब कहा था कि दूध राम का है? खत पढ़ने दो भैया। अच्छा अच्छा जरा जल्दी पढ़िए दोस्त के लाल। भाई जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे दो दो बेटे हैं मैंने तय किया कि अपनी बेटी सुनैना की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करके दोस्ती को रिश्ते को और मजबूत किया जाए। देखो मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ आ रही है और अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद ना हो तो तुम साफ इनकार कर सकते हो, मुझे कोई एतराज ना होगा। तुम्हारा दोस्त प्रोफेसर पानी राम। वो माना क्या पिताजी? भाई ये जो प्रोफेसर पानी राम है बड़ा रईस है। अच्छा, और इसकी कपड़े की कई मिले हैं। पिताजी अपनी बेटी भेजने की जगह एक आध मिली भेज देता क्यों भैया? अरे तुम कभी तो चुप रहा करो पिताजी, आगे बोलिए फिर जल्दी। बेटे वो आ रही है। अच्छा, मगर एक लखपति की बेटी हमारे यहाँ आ रही है और घर में नौकर तक नहीं। अरे हाँ हाँ पिताजी, पिताजी ये तो आपने बिल्कुल सच सोचा। अरे लखपति करोड़पति की बेटी इस घर में और एक नौकर भी नहीं। एक नौकर रख लीजिए पिताजी, इस बहाने हमारे पाताल भैया को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। थैंक यू। सही बात पाताल। हाँ भाई इसमें क्या बुराई है? आपका मतलब क्या है? मेरे मिट्टी के मुझे घर का काम पिताजी, क्या मैं आपकी नाजा करा दूँ कि आपको मुझे अपना बेटा कहते हैं शर्मा के? मैं नौकर नहीं बनूंगा, सुनिएगा, मैं नौकर नहीं बनूंगा। मेरी शादी के लिए नौकर पड़ेगा। जब भी फैसला सुनाया है हमेशा सही सुनाया है। नमस्ते, मेरा नाम है सुनैना। सुनैना? अरे सुनैना, अरे अरे पिताजी सुनैना। सुनैना? हाँ पिताजी सुनैना, सुनैना। अच्छा अच्छा सुनैना। अरे आई आई आओ बेटी आओ, चलो बेटे को नौकर बना दिया। अरे ये तो पीपल के झाड़ के माफिक काहे को खड़ा है? ओ तुम इतनी दूर से थक के आती हो ना, जरा छांव आम ले लो। हमारा मस्ती करता है। एक बात बताइए। क्या? आप सभी के यहाँ विजिट करती रहती हैं, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? मेरे को दूसरों का दुख दर्द जानने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं सबको विजिट करती हूँ। आई मेक अ पॉइंट टू विजिट एवरीवन। व्हाट अ काइंड लेडी। बाय द वे आप अपने घर विजिट करती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि दूसरों के घर जाते जाते आपको पूरा दिन लग जाता होगा, आप अपने घर कब जाती हैं? देखो तुम मेरा फजीटी मत करो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। क्या स्टाइल है गुस्से की? अच्छा मैं चलती हूँ। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारे घर में कोई छोकरी आया है क्या? छोकरी? यहाँ पर तो तुम आई हो। यू नॉटी बॉय, मैं सच्ची बोल रही हूँ, इस घर में कोई छोकरी आया है? अच्छा अच्छा वो हमारी मेहमान है। सच्ची? मुच्ची। कितनी सुहानी रात है, है ना? हाँ हाँ कितनी सुहानी रात है। मुझे चांदनी रात में तारे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और वो बीच में चांद कितना चमक रहा है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये चांद तारे मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कौन है? हाँ।
ये मेरा भाई है भाई। भाई? अजी जी हाँ भाई, भाईदास नौकर भाईदास। भाईदास बड़ा अजीब नाम है। उससे ज्यादा अजीब तो आपकी बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये चांद, ये तारे, ये दिन है दिन, रात नहीं। मुझे पता है। कमाल है, आपको पता है फिर भी। मैं देखना चाहती थी ये मुझसे कितना प्यार करता है। ये हाँ में हाँ मिलाने से प्यार हो जाता है। अरे बाबा तुम अंदर जाओ, जाके अंदर काम करो। चलो 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 चलो। अरे रानी तुम कुछ खाओगी? जो तुम खिलाओगे। मैं इडली खाना। अभी आटा कौन किसे? मैंने कहा क्या खाओगी? डोसा। डोसा जी 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 आइए। पूछे सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा, पेपर डोसा वगैरह वगैरह क्या खाएंगे? अरे बाबा तुम्हें जो बनाना है बनाओ, लेकिन जाओ। अरे जाओ डाली। तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, मगर जरा छोटा है। छोटा? अरे तुम फिकर मत करो, मैं इससे भी बड़ा एक घर लेने वाला हूँ। बस थोड़े पैसे आने दो। क्या कहीं लॉटरी लगने वाली है? लॉटरी? कुछ ऐसा ही समझ लो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बेटे का तो भला हो गया, अब दूसरे बेटे के लिए कौन सा लखपति दोष लाऊं? हाँ याद आया, एक बार मैंने एक मुजरिम को सजा सुनाई थी, मगर वो पैसे के बल पे छूट गया। क्यों ना उसको ट्राई करूं, कोई शादी उसकी बेटी से हो, इससे हमें क्या। वैसे वक्त सब कुछ कराता है, बेटी मुजरिम की और जज का बेटा। अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे पिताजी, क्या आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ पिताजी। शाबाश शाबाश। अरे पिताजी, पिताजी उसने दिन को कहा रात, मैंने कहा हाँ। शाबाश शाबाश पिताजी। पिताजी उसने पाताल को कहा बेवकूफ, मैंने कहा हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जा रहा है। अरे और तो और पिताजी, पिताजी उसने आपको कहा सर फिरा, मैंने कहा हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या मुझे बेवकूफ का है? और तुम सुनते रहे बेवकूफ नहीं पिताजी। हाँ सर फिरा सर फिरा। अच्छा अच्छा सर फिरा। क्या सर फिरा कहा है? शादी से पहले तेरा ये हाल है तो बाद में क्या होगा? अरे बाद में पिताजी थोड़े पैसे तो आने दीजिए, बस फिर देखिए कमाल। क्या पिताजी ये दिन है कि रात? दिन बाजार भैया से पूछो। दिन तुम उस वक्त तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी कि तुम दिन को रात कहते जा रहे थे। तू क्या जाने, प्यार मोहब्बत में ऐसी शरारतें होती रहती हैं। अच्छा हाँ पिताजी, माँ ने कभी आपके साथ शरारत की थी? हाँ बेटा। क्या पिताजी? एक दिन उसने कहा कि आपको गधा पसंद है। अच्छा? मैंने कहा नेकबद गधा है कहाँ जो पूछ रही हो। तो जानते उसने क्या कहा? कहने लगी आपको कौन कह रहा है, मैं तो इस कुत्ते को कह रही हूँ जो आपके साथ है। वाले अरे मैं भूल से कहीं दूसरे के घर में तो नहीं आ गई? आप कौन हैं? नहीं नहीं ये तो उसी भुलक्कड़ जज की कोची है। तुम कौन हो? मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। मालकिन? तो क्या जज इस उम्र में शादी करेगा? अरे ये क्या कह रही हैं आप, मैं तो उनके बेटे आकाश से। मैं भी तो बोलूं, जज तो बड़ा कंजूस मानस छे, वो तो अपने बेटों को भी कुछ नहीं देता है। तुम्हारा नाम सूचे सुनैना।
अच्छा हुआ इस घर में एक लेडी आ गई। यही एक घर था जहाँ मैं गॉसिप ही नहीं कर सकती थी। मर्दों से भी भला गॉसिप करने का क्यों? ठीक कहा आपने, आप चाय पियेंगी? क्यों नहीं क्यों नहीं, दूसरों के घर में चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी मैम साहब। ये तुम्हारा नौकर थे? जी हाँ जी हाँ, मैं इस घर का नौकर हूँ। अगर आप चाहती हैं मैं आपके नौकरी कर दूँ पास में। क्यों मैम साहब? अरे बाप रे, मैं चलती हूँ। जाइए जाइए। What is this? आपकी चाय आपके घर पहुँच जाएगी। What is this? तुमने मेरी इंसल्ट की है। वो आकाश, he has insulted me। हाँ अपनी इंसल्ट होते होते रहिए। अरे डार्लिंग माफ कर दो इसे, नौकर है घर का। बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ शादी के बाद हम अकेले रहें। ओह श्योर। ओह श्योर, तुम्हें अभी इसी वक्त एक बड़े घर का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? लेकिन थोड़े पैसे तो आने दो। कहीं तुम मेरे दहेज का इंतजाम तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, देखो अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो तुम्हें अभी बता देती हूँ, मुझे दहेज लेने वालों से सख्त नफरत है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कहाँ? तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पिताजी के पास तो हैं। अरे वो तो ठीक है, मगर अब क्या हुआ? अरे वो मुझे पैसे नहीं देंगे। तो वसीयत करवा लो। वसीयत? हाँ वरना मैं चली। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसे कैसे जाऊंगी? मैं भी पिताजी को बुलाता हूँ। पिताजी पिताजी बाहर आइए। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? लगता है भैया के बेल्ट पर इनकी सैंडल आ गई है। पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो इसी से, समझे? ये कौन सी नई खबर है? पिताजी आपको अभी इसी वक्त वसीयत लिखनी होगी। क्या कहा, वसीयत? हाँ। क्यों? वरना वरना मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। वसीयत क्यों? देखो इसलिए कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब भैया तुम भी सुन लो। लेकिन तुम्हारे पिताजी लोगों को शादी के बाद बदलते देखा, भैया तो पहले ही बदल गया है। बहुत ललायक हो गया ये। पता नहीं कब आप मर जाए और वसीयत ना हो, तब मैं क्या करूँ? पिताजी ये क्या कह रही है? ये पिताजी, ये नौकर क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, और ये जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। यानी कि ये तुम्हारा भाई है? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। चिंता? चिंता कैसे ना होगी, अब तो इन्हें सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। वो क्यों? अरे शादी से पहले इतना बड़ा धोखा, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, तब मैं क्या करूँगी? हाँ पिताजी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वाह बेटे वाह, शादी के बाद बेटों को बदलते देखा है, तुम तो पहले ही बदल गए। अरे पिताजी आप वसीयत लिखते हैं या मैं भी चला जाऊँ इसके साथ? ठहरो आकाश, बताए बेटे अंदर से कलम और स्टम्प पेपर लेकर आओ। मगर पिताजी। क्या हो बेटा? आकाश बेटे मुझे तुझ पर नाज था, मगर आज पाताल मुझे आकाश से भी ऊंचा नजर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, धूप लगा रहा है? ये लो। ये रे पिताजी आओ चलें। मजबूरी इंसान को क्या कुछ करा देती है। क्या से क्या हो रहा है? काश पिताजी के दिल पर इतना सदमा नहीं पहुंचता। खैर कोई बात नहीं, उन्हें वैसे भी कौन सी बात याद रहती है।
अरे अरे पाताल भैया, अरे पाताल भैया, तुमने सुनैना को देखा है? सुनैना? अब उसमें देखने लायक घर क्या क्या है? अरे वो यहाँ नहीं है। अरे भाई वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं तो जाकर ढूंढो। अरे वो गायब है बाबा। गायब है? कमाल है पिताजी। पिताजी, अरे पिताजी क्या बात है, कुछ ला रहे? अरे पिताजी सुनैना गायब है तो जाकर ढूंढो। ढूंढो लेकिन पिताजी, मैं अभी पुलिस को फोन करूं। अरे नहीं नहीं खैर पाताल बेटे, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे दोस्त की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त का नाम बदनाम हो। नमस्ते प्रोफेसर पानीराम, तुम? अरे ये है हमारी बिटिया सुनैना। सुनैना? अरे भाई तो क्या तू? अरे ये है हमारी बिटिया है जिसका हमने खत में लिखा था। लिखा? लिखा? खत में लिखा था? हाँ भाई, खत में लिखा था। अच्छा अच्छा, अरे वो तो अकेली आने वाली थी। अरे कहा था? अरे नहीं, हमारी तो सिर्फ एक बिटिया है सुनैना। पिताजी एक ही घर में दो दो बेटियां, वो भी और दोनों का नाम सुनैना? अरे नहीं, हमारी तो सिर्फ एक बिटिया है सुनैना। नमस्ते। दूसरा भाग अब से कुछ ही देर में हम लोग देखने जा रहे हैं। शादी हो गया? तुम इतना जल्दी शादी करेगा हमको नहीं पता था। अरे क्या बताऊं, पता तो मुझे भी नहीं था। ये सब इतना जल्दी हो गया कि बस पता ही नहीं चला। तुम बहुत शरारती हो गए। आप खुद बहुत जॉली हैं। बहुत जॉली हैं आप। इतनी जल्दी शादी कर ली और किसी को बताया तक नहीं। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप बहुत जॉली हैं। सच कहा, एक्सीडेंट अचानक ही हो जाता है। वो आप बहुत मजाक करती हैं, आपकी मजाक करने की आदत अभी कम नहीं हुई। वो आई मेंटेन में जॉलीनेस। बिल्कुल ठीक कह रही है, इससे घर में भी काफी शांति रहती है। जॉलीनेस। सच कहा, मेरा मरद चुपचाप खाना बनाता है। अच्छा? सफाई करता है। और तो और बच्चों को भी पालता है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? आई मेंटेन में जॉलीनेस। अरे तुम्हारा बीवी किधर है? बीवी अभी बताता हूँ उसको। ओह आओ, आपने मुझे याद किया? मैंने नहीं। उसने नहीं, मैंने याद किया है। इनसे मिलो, ये है हमारी चंद्रावती जी। तुम्हारा पड़ोसन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम पहली औरत हो जिसको मुझसे मिलकर खुशी हो रही है। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप तो बहुत अच्छी हैं। वो तो हूँ, मगर कितना लोग मुझे देखकर दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। अच्छा, वो क्यों? वो कहते हैं जब मैं मुंह खोलती हूँ तो बंद ही नहीं करती हूँ, इसीलिए वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे डाली चलो बाहर चलते हैं यार। बाद में चलेंगे, इसको बाहर जाने का जल्दी है। क्या तुम डाउरी में मोटर वोटर लाया है? देखिए हम डाउरी वोरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, समझी? ये सिर्फ पूछ रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए घूमने जा रहे हैं। ओ, आपको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अरे छोड़ो यार, उसने बात ही ऐसी की। मगर जब आपने डाउरी ली ही नहीं तो गुस्सा किस बात का? अच्छा खैर चलो छोड़ो यार इन सारी बातों को। क्या है कि डॉरी के नाम पे मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। वो मुझे एक किस्सा सुनाया करती थी। वो क्या? अरे छोड़ो, तुम सुनोगी तो हंसोगी। तो हंसाइए ना, मुझे हंसना बहुत पसंद है। नहीं नहीं मैं नहीं सुना रहा, मुझे शर्म आ रही है। तो थोड़ी देर शर्म बन जाइए मगर मुझे हंसाइए। अरे बाबा इतना जिद कर रही हो तो सुनो। क्या है कि जब पिताजी की शादी हुई थी ना, तब माँ बहुत सारा दहेज अपने साथ लेकर आई थी। हाँ, क्रॉकरी, टीवी सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर्स और ये सोफा सेट। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं डाउरी में कुछ नहीं लाई? क्यों? अरे नहीं बाबा, ये किस्सा माँ सुनाया करती थी और इसलिए आज याद आ गया।
फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, एक दिन पिताजी अदालत से वो हथौड़ा उठा कर लाए और लगे टेबल पर मारने, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंटरेस्टिंग सीन, घर में भी अदालत। अरे सीन तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उनके इस ऑर्डर ऑर्डर से टेबल डिसऑर्डर हो गया। अरे टेबल तो डिसऑर्डर हुआ, साथ में क्रॉकरी का भी सत्यानाश हो गया। क्रॉकरी का? हाँ। वो कैसे? वो टेबल पर जो पड़ी थी। बस पिताजी की इसी भूल से माँ बहुत परेशान होती थी। चलो अच्छा, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलवाता हूँ। लेकिन हम तो बाहर जा रहे थे। अरे बाहर छोड़ो, मैं घर में ही पिलवाता हूँ, अपने हाथ से बना के। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। हाँ, हम भी बहुत फिल्म देखा करते थे। अच्छा? हाँ भाई, एक बार क्या हुआ कि हम फिल्म देख कर आए। अच्छा? हाँ भाई, और उसमें लड़के का बाप था ना, वो था डाकू। अच्छा भाई, और तब से हमें भी लगा कि हमारा बाप भी डाकू है। इसमें फनी कहा भाई? लगता है मामला सीरियस है। अरे सीरियस वीरियस का होता है। हम पिताजी को डाकू कहते वो बहुत खुश होते थे। भाई कमाल है। अरे कमाल माल का होता भैया। पिताजी कहते कि हमारे तो कोई पहलू नहीं होती, कम से कम डाकू की तो वैल्यू होती है ना भाई केला? डाकू की वैल्यू? हाँ भाई, 50,000, 60,000 क्या है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं भी आया। और हाँ, चाय वगैरह पियोगे? अरे नहीं भाई, पीलो यार। चाय वगैरह कौन सा जरूरत नहीं है, ये है चाय का अल्टरनेटिव। सर्दी का दुश्मन, दोस्त का दोस्त। हम यूपी चलाने वाले। यू का मतलब यू, पी का मतलब यानी के यू। अरे भैया सही बोला, कैसे हो? अरे आओ बल्लू, आओ 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 आओ, थोड़ी पीते हैं। ये अपने दोस्त केला भाई घर है। केला यार, ये नाम कुछ अधूरा नहीं लगता? अरे नहीं, यही भाई इसका पूरा नाम है यार। मायका लाल को सुना था, मगर ये केला? अरे नहीं, यही इसका पूरा नाम है। इसी के बेटे के साथ हमारी बिटिया की शादी हुई है। अरे हाँ, बेटी की शादी हुई है? हाँ भाई, तो इस पर तो हम डबल पिएंगे। हाय हाय, कर रहे हो तुम? बोल किधर मारू? अरे अरे नहीं भाई नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, ये अपनी तुम्हारी बिटिया के ससुराल भैया, यहाँ तो अच्छा नहीं लगता यार। तेरे को तो मालूम है, बगैर गुलाटी मारे मुझे तो चढ़ती नहीं है। अरे नहीं चल सकता है? अरे हम चल सकता हूँ। अरे बड़ी रब बड़ी पकड़ो यार, अरे हम चल सकता हूँ, हम चल सकता हूँ, हम चल सकता हूँ।
दिया, क्या करे, अरे तो सबूत चला गया दिया। निकल कहा तू, अरे बाबूजी आप भी। अरे बिटिया उसी में तो सफाई पीते हैं, मगर बाबूजी जी के यहाँ कोई ना ही पियत। अरे बिटिया कुछ तो पिए तो ही है। सच कहे ई के डैडी को दूध पिए की आदत है, भाई को लस्सी और ई को छाछ। अजीब बात है, तो तीनों दूध लस्सी छाछ खाने पीते भाई। बाबूजी इनके डैडी जो दूध ना ही पियत हो की दही जमा देते हैं। मतबल ई कि ये लोग फिर उस दही की लस्सी बना देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लस्सी बना कर देते हैं। पियत ना ही बाबूजी। का मतबल? मतबल ई बाबूजी कि ये लोग फिर उस लस्सी का छाछ बनाकर तीनों पियत हैं। अजीब बात है। ई में अजीब बात कोनो नहीं बाबूजी। ई के डैडी कहत रहे छाछ को दूध समझकर पिए माँ कौन सा खराबी है। बहू इससे पैसे की बचत होती है। पैसा? बाबूजी फिर से आप चालू हो गए। वो पैसा, पैसे तो बचते हैं, पैसे तो बचते हैं, इसीलिए वो केलॉन ने इतनी सारी दौलत जमा कर रखी है। सच कह रहे हो, बिना पैसे मजा कहाँ मिलता है। अरे घबरा के रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, मगर तुम अचानक अचानक मौत अचानक ही आती है। मैंने तुमसे कहा था। राणा हर बात तुमने कहा दी है, मगर बहाना सुनना आपकी आदत नहीं, समझे। मेरी कुछ मजबूरी है। तो फिर याद रखना, मेरा काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, मगर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? ये कौन? पाताल। अरे पाताल। ये कौन है? आप कौन है? अरे राणा है। तुम इतने समझदार हो, इतने समझदार। थैंक यू, मगर आप कौन है? तुम बहुत हंसमुख हो, बहुत हंसमुख। वो तो ठीक है, मगर ये कौन है? मेरा जी कहता है तुम्हें अपने ऑफिस में जाओ दे दूंगा, उसके लिए एप्लीकेशन भेज दूंगा। आप कौन है? मेरा नाम है राणा। राणा? यस यस, राणा। रानी गर्ल, राणा मैन, मैन। वो तो मुझे पता है, स्कूल में सब पढ़ा गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी। यही कि अगर सीयूटी कट होता है तो पीयूटी पुट क्यों होता है? पट क्यों नहीं होता? सीयूटी कट होता है, बट पुट क्यों नहीं होता? पट पुट होता है। व्हाट इज इट? करेक्ट। पट पुट कट पुट पट पट पुट पट पट पट। वो हमें फिर बुलाना चला गया। अरे वो हमें उलझन में डाल कर गया। मगर याद रखना, तुम मुझे नहीं बुझा सकते। मेरा नाम है राणा और शूट करते मुझे देर नहीं लगती, समझे? मुझे खुद पैसों की जरूरत है भैया, तो मेरा काम आज ही हो जाना चाहिए, नहीं तो। देखो मुझे कुछ दे दो भैया। देखो हमारा रख है कि मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ और उसके बाद काम जरूर हो जाना चाहिए। ये हमारा तुम्हारा ना, ये जो पैसा है ना, ये बराबर बराबर है। एक मेरा याद रखना बचा, जिनके घर पर शीशे के नहीं होते वो दूसरों के घर पर जरूर पत्थर फेंकते हैं, समझे? मैं चलता हूँ। समझा समझा। जाओ कल पत्थर होता देखो। नमस्ते अंकल जी। बेटा बेटा तुम
अरे फोन कर गया, क्या हुआ? लगता है नंबर भूल गया। अरे फोन कीजिए ना, क्या हुआ? नहीं, बात कर लूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे नहीं, बात दरअसल ये है कि हमारी शक्ल ही कुछ ऐसी है। ये हंस रहा था या साइकिल में हवा भर रहा था? देखो यार, गराए मेहमान का मजाक नहीं उड़ाते। अभी तो मैंने उसे कोलू का बैल नहीं कहा। कोलू का बैल? वो क्यों भाई, ऐसे कोई इंसान चलता है? अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने क्या हुलिया बना के रखा है यार? मैं नौकर हूँ। नौकर? हाँ। कमाल है नौकर। कमाल क्या है इसमें? तुमसे कितनी बार कहा है कि अब इस नाटक की जरूरत नहीं? पिताजी, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं खानदानी नौकर हूँ। मुझे तो मेरा भाई भी नौकर नजर आने लगा है, मुझे तो आप भी नौकर नजर आ रहे हैं, और ये जो सभी बैठे वो भी। वाह, जब हम तुमसे नौकर बनने के लिए कह रहे थे, अरे तब तो हम तुम्हारे पैर पकड़ते फिर रहे थे। तो अब भी पढ़ो। आप काय को पकड़ो? नौकर नहीं बनूंगा। ये तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा। आइए, बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात, कैरियर है? हाँ, मेरी इच्छा जो पूरी हुई है। इच्छा? कौन सी इच्छा भाई, जरा हम भी तो सुने। देखिए ना, मुझे जैसा पति चाहिए था बिल्कुल वैसा मिला। अच्छा? हैंडसम, बिल्कुल धर्मेंद्र। ओहो, अच्छा। और काइंड, बिल्कुल जितेंद्र। रियली? हाँ, और ओबीडियंट लाइक राजेश खन्ना। सच कह रही हो? हाँ, क्यों? क्या उस फिल्म में राजेश खन्ना जोरू का गुलाम नहीं बना था? अच्छा, एक बात बताइए। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? हाँ? नहीं, मैंने नहीं उड़ाई है। क्यों, क्या तुम पतंग उड़ाती हो? हाँ, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। अच्छा, चलिए ना पतंग उड़ाएं। अरे कमाल करती हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा करते हैं, यहीं पर पतंग उड़ाते हैं। यहाँ? हाँ। घर में? हाँ, प्लीज आइए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये देखिए, ये है पतंग, ऊपर उठाइए। पतंग? पतंग। अच्छा, पतंग। हाँ, ऊपर उठाइए जरा, और थोड़ा और। ठीक है, बिल्कुल ठीक, छोड़िए ना। चरखी पकड़ी है। चरखी? हाँ, चरखी। क्या वो हरी वाली? हरी वाली? हाँ, वो कहा? अभी क्या था का? अरे भैया, पतंग। घर में भी कोई पतंग उड़ाता है? बोले पतंग है कहाँ? शादी के बाद भी नहीं सुधरे। अरे ये हम कहाँ देख रहे हैं भाई, कुश्ती उसी हो रही है का? अभी तो आपने मेन सीन मिस किया। अरे इसमें मेन सीन की कहाँ बात है भैया, हम अपनी बिटिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, भाभी का वहां पर भी घर में पतंग उड़ाया करती थी? पतंग? करें पास हो रहा है तुम बहुत। हमने कहा एक रात वो अचानक चिल्ला उठी। अच्छा, वो लगता है उन्होंने आपको सपने में देखा। अरे नहीं, कहने लगी अब पिताजी हमें जूडो खेलना है। भाभी, जूडो? हाँ। अच्छा, हमने कहा बिटिया जूडो तो दू जगह खेलते हैं, तो पता है क्या कहने लगी? बोलो मेरे हंसने की मशीन। कहने लगी पिताजी आप जो है। ये काम बाद में कर। हमने कहा मीडिया इससे कुछ फायदा नहीं होगा। वो क्यों? अरे भाई, तुम मारती जाओगी, हम मार खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। मगर क्यों? अरे भाई, हम तो बचपन से ही मार खाते आए हैं। स्कूल में जाते तो मास्टर जी पकड़ कर मारते। अच्छा, और घर पर आते तो पिताजी पकड़ कर मारते। दे सताशा, दे सताशा, दे सताशा।
और लोग मुझे प्यार से लोग मुझे प्यार से फुटबॉल कहा करते थे फुटबॉल वो भी प्यार से। अंकल लगता है मुझे बहुत चोट लगी है, मैं जरा अंदर सो के आता हूँ। जब देखो तब चोट लगती रहती है, अंदर जाते रहता है। देखो मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। हाँ हम आज रात की गाड़ी से आने के सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो शायद कोई आ रहा है। तो बाय बाय बाय। अरे भाई ये फोन क्यों रख दिया? बात खलास, फोन कर। केला देखो हम रात की गाड़ी से जाने की सोच रहे हैं। इतनी जल्दी? अब भाई कुछ काम आन पड़ा है। अच्छा हाँ, वो जो दो गोलियां दी थी तुम्हें मैंने। गोलियां 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 वो गोलियां ये देखो इसको जैसे हमने बताया है तुम्हें तो वैसे ही खाते रहना। हाँ वैसे ही खाते रहना। हम बिला लागा बिला लागा बिला लागा। अच्छा अच्छा बिला लागा। हाँ हाँ बिला लागा ठीक है। अच्छा बिला अब हम चलते हैं, थोड़ा पैकिंग वोकिंग करनी है। ठीक है तुम चलो। समझ गए? हाँ तुम चलो। पिताजी मैं घर में पतंग उड़ाना चाहता हूँ। भैया से पूछे जब तुम भाभी के साथ पतंग उड़ा रहे थे तब। बेटे ये सब शरारतें छोड़ दो, पता नहीं अब मेरा कितना वक्त रह गया है। अरे पिताजी, अरे पिताजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या करूं बेटा, उस लड़की की याद आ रही है, किस तरह उसने हमें बेवकूफ बनाया। ओफो पिताजी, आखिर वह लड़की लेकर क्या गई है? बेटे को वसीयत लेकर भागी है, और जब तक वो वसीयत कैंसिल नहीं हो जाती मैं दूसरी वसीयत नहीं लिख सकता। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन वसीयत तो दूसरी भी लिखी जा सकती है। हाँ पिताजी। नहीं बेटे, मेरे मरने के बाद अगर वो वसीयत लेकर पहुंची तो पहले उसका हक होगा। तो आपने ये बात प्रोफेसर पानीराम से क्यों नहीं की? अपनी हंसी उड़वाता। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई। वो क्या? वो लड़की भी सुनहरा थी। अरे सुनहरा? हाँ पिताजी। हाँ वो लड़की, उसका नाम भी सुनहरा था और इसका भी सुनहरा। क्यों कहे पिताजी? कुछ दाल में काला है। बेटे इसकी बात पर ध्यान दो। हाँ अगर मेरे मरने के बाद पैसा उस लड़की को मिले या बहू को, जायदाद जाएगी तो सुनहरा के पास। हाँ तो क्या आपका दोस्त? तो क्या मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन है? नहीं भाई, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। मुझे कुछ दाल में काला लगता है। अरे पिताजी, ये मुझे क्या हो रहा है बेटा? पिताजी क्या हुआ? पिताजी अंकल क्या हुआ? देखिए पिताजी कुछ हो रहा है। पिताजी को क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर। अरे सुनो, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको मामला सीरियस नहीं है। थोड़ा सा पानी ले जाना। पानी? मैं पानी पानी हाँ मजा आएगा। लगता है गोलियों का असर धीरे धीरे हो रहा है। नमस्ते। नमस्ते। आपने? मैं बाजू में रहती हूँ। बाजू में? किसके बाजू में? यहाँ सब मर्द लोग शरारती हैं, मेरा टिंगल करता है। अरे ये जस्सा भी इधर ही सो गया। अरे नहीं नहीं, ये सोए नहीं है, सुलाए गए। बेचारा बहुत भुलक्कड़ है। एक बार जब मैं इससे बात कर रही थी तब एक फोन आया। फोन? हाँ फोन सुन सुन कर ये हाँ हाँ बोलता जा रहा था।
बाद में फोन रखकर बोला मेरी बीवी का फोन था। अरे मगर इनकी बीवी तो वही तो। मैंने कहा तुम्हारी बीवी तो मर गई है, तो पता है क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? वो औरत मुझे गालियां दे रही थी, इसीलिए मुझे लगा मेरी बीवी का फोन है। अरे इतनी देर तक सो रहे हैं? अरे पता नहीं कहा होगा पानी। अरे अब पानी होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पानी की जरूरत नहीं है। ज्यादा ठीक तो नहीं। आकाश बेटे जी अंदर से कलम और पेपर लाओ। वो क्यों पिताजी? बेटे मैं वसीयत लिखना चाहता हूँ। मगर पिताजी वसीयत? करने दो करने दो, वसीयत लिखेगा तो तुम सबको पैसा मिलेगा ना, क्यों जस्सा? यस जस्सा, एक बात पूछूं? पूछो। आप तो जज हैं, कानून भी जानते हैं, क्या वसीयत में पड़ोसी का भी हक बनता है? पड़ोसी का भी हक बनता है, ये बातें बाद में कर लेना। केला तुम आराम करो, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा केला हम चलते हैं। विजय सुने ना हमारी वाइफ कहाँ है? अंदर है बाबू। अच्छा अच्छा मैं भी चलती हूँ। पिताजी पिताजी कैसा फील कर रहा है? बस क्या करूँ बेटा, मेरे दो दो बेटे मगर किसी ने भी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश नहीं की। अरे पिताजी मैं तो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, लेकिन उस ससुरे के बच्चे ने, मेरा मतलब है ससुर जी ने कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। और वैसे भी पिताजी अगर डॉक्टर आता आपका चेकअप करता और जाहिर है कि वो बिल बनाता तो दौरा पड़ सकता। दिल का दौरा और कोई खास बात नहीं, लगता है प्रोफेसर हमें बेवकूफ बना रहा है। हाँ पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, उस दिन जब मैं कमरे में से अंदर आया तो वो फोन कर रहे थे और मुझे देख के उन्होंने फोन रख दिया। हाँ याद आया बेटा, मुझे भी देख के उसने फोन रख दिया था। पिताजी एक मिनट, मैं अभी आया। ये अंदर क्यों गया है? अरे गया होगा अंदर कुछ करने, जब भी जाता है कुछ ना कुछ उल्टा ही करके आता है, गया होगा किसी। पिताजी ये देखिए। ये क्या बेटे? वसीयत पिताजी वसीयत, पता नहीं क्यों आप दोनों की बातों से मुझे प्रोफेसर पानीराम को शक हुआ। मैं अंदर गया, मैं उसकी बैग की तलाशी ली और मुझे ये मिली। अरे कमाल है यार, पता तुम तो बहुत ही समझदार आदमी हो। अरे आखिर में भाई किसका, आखिर में बेटा किसका? अच्छा अरे भाई मैं पाताल को पाताल, इतनी भी अक्कल नहीं होगी क्या? बेटे ये वसीयत जाकर उसके बैग में रख दो ताकि उसको शक न हो कि इसकी कोई। मगर पिताजी अरे पिताजी आप इसी के लिए तो परेशान थे, अंदर क्यों रखने के लिए बोल रहे हैं? एक वसीयत मैं ऐसे ही थोड़ी दूंगा, कैंसिल करके दूंगा। पहन ला। तू बहुत लगाता है। ये कर दे जल्दी रखो फिर जल्दी, इससे पहले कि वहां जाए। अरे जल्दी जल्दी रखता। अरे अरे अब क्या होगा? अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केला हम आप चलेंगे अंकल। आपकी बैग कितनी भारी है? जरा मैं उठाकर देखूं। हाँ ससुर जी ये बैग इतनी बहुत भारी है, देखो 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 भारी बैग आप कैसे उठा लेते हैं? का बैग हम तो इतना भी भारी बैग उठाए हैं। क्या ब्यूटीफुल है। अरे अंकल अरे आपकी वो ब्लैक वाली जैकेट क्या डैशिंग है अंकल, वो हम जैकेट देखना चाहते हैं। वो ब्लैक जैकेट वही तो हम चाहते कुश्ती खेलने जाते हैं ना, वही तो हम चाहते हैं। अच्छा हाँ देखना चाहते हैं, वही तो हम देखना चाहते हैं। अरे तो ऐसे मैं कौन सी बड़ी बात है भैया, ये लोग अरे हम
आज से अखाड़े में उतरे है का? अरे हम जब इतने से थे ना तब से अखाड़े में उतरे हैं। अरे क्या जैकेट है क्या जैकेट है क्या बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बड़ी पसंद है अंकल। थैंक यू वेरी मच। आपकी ये जैकेट देख के हमें बहुत खुशी हुई। अरे आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि बाबूजी ने जो ये जैकेट आपको दे दी हो। हिम्मतदार बेटिया, अभी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। थैंक यू अंकल। अच्छा भाई केला, हम चलेंगे, हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। ठीक है। जरा हमारे बिटिया का भी ख्याल रखना। आओ पता लगे हंसने की मशीन गई। सुनो, तुम किसी सुनैरा नाम की लड़की को जानती हो? आप मुझसे मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। हंसो मत, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मुझे ठीक जवाब दो। जब तुम्हारे पिताजी ने हमें वो खत लिखा था तब और कौन कौन इस बात को जानता था? जो कुछ पूछना है साफ साफ पूछिए, ये पहेलिया बुझाने का क्या मतलब? अरे मतलब है क्या? मतलब कोई हमें धोखा दे रहा है। धोखा? हाँ। आपका मतलब मैं? या मेरे बाबूजी? तुम या तुम्हारे बाबूजी या तुम दोनों में से एक, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे ऐसी कौन सी जायदाद लूट ली है हमने आपकी? जायदाद? अरे वही तो लूटने का प्लान बन रहा है। जायदाद? अगर ऐसा था तो आप मेरे पिताजी से बात करते, मुझसे ऐसे इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। अरे तुम तो रोने लगी। अगर आपको लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है तो मैं आज अभी उनके जा रही हूँ। अरे ससुर के जाने का इतना गम? अरे ससुर को मारो बोली यार, वो सुनैना भी घर छोड़ के जा रही है। भाभी घर छोड़ के जा रही है? हाँ। क्यों? अरे यार पता नहीं, मैंने उससे गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या कह दिया बस। अरे यार यही तो तुम्हारी गलत आदत है। तुम्हें पता है इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें ठंडे दिमाग की जरूरत है। अच्छा हाँ, मैं अभी एक आइस बैग लेकर आता हूँ। क्या लेकर आते हो? आइस बैग। क्यों? उसमें आइस डालेंगे, उसके बाद उसको सर पे रखेंगे और दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ। भाई ये भाभी वैसे ही घर छोड़कर नहीं जाए, मगर तुम्हारी इन हरकतों के कारण ये घर छोड़ देगी। अरे यार तो मैं क्या करूँ यार, तुम ही कुछ बताओ। अरे भाभी को मनाओ, मनाओ यहाँ से शायद आ रहा। अब आई एम सॉरी, तुम तो जानती हो मैं गुस्से का जरा तेज और आदमी हूँ। बस कोई बात नहीं सुनी जा रही। अरे जा रही है तो जाओ, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, मैं जा रही हूँ। अरे तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे तुम चुप रहो यार। मगर मैंने कुछ कहा ही नहीं। भाभी आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि आपको किसी बात का कोई पता नहीं। यार बेटा आकाश, अरे तुम तीनों क्या हो, पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो? ओ पिताजी आपको वो पिकनिक पिक नजर आ रही है? पिताजी मैंने गुस्से में आके पता नहीं इससे क्या क्या कह दिया बस। पिताजी ये जो कुछ कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी हमारी समझ में आज तक कुछ नहीं आया। हाँ भाभी, एक लड़की सुनैना बनकर आई, इस उल्लू को पटाया और चक्कर चलाकर वसीयत अपने नाम लिखवाकर एक दिन गायब हो गई वसीयत के साथ। सुनैना वसीयत? हाँ। मगर वो कौन हो सकती है? अरे वो वही हो सकती है जिसको तुम्हारे घर की एक एक बात पता हो। याद करो बेटी, क्या तुम किसी ऐसी लड़की को, वैसे उसका नाम भी सुनैना है। सुनैना? हाँ हाँ भाभी। मेरा नाम रूपा है। हाँ? रूपा, तुम इसे जानती हो? ये मेरे डैडी की सेकेंडरी।
बता सकूं ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, तुम आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। हाँ, अरे पिताजी, हाँ, इसको अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं? बेटे, बहू इसे जानती है क्या, ये काफी नहीं। आओ बेटी। क्या पाताल भैया, क्या ऐसा क्या हो सकता है कि मेरे ससुर जी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अबे तुझे नहीं, पिताजी को। अरे बात तो एक ही है यार। कैसे बात एक ही है, तुझे धोखा देता तो उस साले को फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। इसका मतलब ये सारी बात पिता की दौलत के लिए किया गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाकी मामला तो रूपा बहन से ही पता चल सकता है ना। क्या रूपा बहन? अबे सुना थोड़ी। कितने शरीफ लोग हैं ये जानते हुए भी कि मैंने इन्हें धोखा दिया है, मुझे अपने घर में मेहमान बनाया है। अरे प्रोफेसर पानीराम किधर है? वो ये जज केलाल का घर है। केलाल? हाँ वही। क्या बोलते इसको, माइकेला वाले? क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो, थोड़ी मिलेगी। आपने इस घर को क्या शराब खाना समझ रखा है? अरे शराब नहीं तो अपनी आंखों से ही पिला दो। क्या कहा? मैं नहीं कहता, वो शायर कहता है। हाय, तुम्हारी आंखें हैं या शराब की बोतल? आप फिर आ गए यहाँ पर? बाबू जी तो कब के चले गए? अच्छा तो हम भी चलते हैं। चलते चलते ससुराल में अच्छा नाम किया है तुमने मेरा। क्यों? मगर मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो डैडी का कसूर है। क्यों? सब कुछ करने वाली तुम और ना मेरी हो मेरे डैडी का? आपको कैसे समझाऊं मैं मैडम, इसमें समझाना क्या है? पिताजी ने तुम्हें वो लेटर डिक्टेट करने को दिया होगा और तुमने उसका फायदा उठाया और यहाँ हमसे पहले चली आई। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आपके पिताजी ने कहा था। शट अप, अगर मेरे डैडी का नाम भी लिया तो। तुमने सोचा होगा यहाँ आकर इनके बेटे से चक्कर चलाकर पूरी जायदाद की मालकिन बन जाओगी। क्यों? प्लीज लिसन टू मी, डोंट यू डेयर से अ सिंगल वर्ड। यू चीट? अगर मुझे चीट ही करना होता तो मैं यहाँ सुनैना बनकर क्यों आती? डोंट शाउट। तुम अगर सुनैना बनकर नहीं आती तो तुम्हें पूछता कौन? हु आर यू? 2000 पाने वाली हमारी मामूली सेक्रेटरी लगी लाखों के ख्वाब देखने। मुझे अगर लाखों ही लूटने होते तो मैं जायदाद सुनैना के नाम से क्यों करवाती? क्या तुमने जायदाद सुनैना के नाम करवाई है? हाँ मैडम, इसके पीछे लंबी कहानी है। अरे ये रो रही है? अरे रोना तो हमें अपनी किस्मत पे चाहिए कि इस जैसी लड़की के ऊपर हमने विश्वास किया और इस विश्वास की इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते चुकाते रह गए। क्या? हम अभी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। पुलिस में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि इसमें तुम्हारा भी बराबर का हाथ है। भैया, अरे तुम चुप रहो यार। अरे इससे प्यार किया तो धोखा मिला और इससे प्यार किया तो उसका ये नतीजा मिला। अरे सबके सब फ्रॉड है, सबके सब धोखेबाज है। बेटा बेटा कुछ भी कर लो, मगर हमारी भतीजा को कुछ नहीं करना। आप? हाँ, कुछ भी कर लो मगर हमारी भतीजा को कुछ नहीं करना। अपनी बेटी का ख्याल आया तो बस उससे कुछ मत कहना। और हमारा आपको ख्याल ही नहीं? बेटा बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात थी प्रोफेसर? केलाल, क्या क्या बताऊं, मेरा बिजनेस कुछ दोस्त हर से तबाह हो चुका था। जो भी काम करता
नुकसान ही नुकसान, कर्ज पर कर्ज चढ़ता ही जा रहा था कि एक दिन एक दिन अखबार में पढ़ा जस्टिस केलाल रिटायर हो रहे हैं। बरसों की मेहनत के बाद उन्होंने काफी दौलत कमाई है। अब उनकी इच्छा है कि उनके दोनों बेटों की शादी हो जाए। और उसमें से किसी एक के साथ हमारी बिटिया की शादी हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। वो तो सब ठीक है, लेकिन इसके लिए आप पिताजी से सीधी सीधी बात भी तो कर सकते थे। ये तो नाटक करने की क्या जरूरत थी। सही बात है, और अगर शादी के बाद वसीयत सुनैना जी के नाम होती तो ज्यादा दिन तो मिल सकती थी। मुझे पता है बेटे, मगर एक तो केला पहले से कंजूस रहा है और दूसरी बात पता नहीं क्या वो ज्यादा तुम्हारे नाम करवाता, इसीलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने जायदाद सुनैना के नाम करवाने के लिए मैंने रूपा को सुनैना बनाकर भेजा। तो क्या है, इसलिए तुम मुझे गोलियां खिलाते रहे। और वो राणा भी इन्हीं का ही आदमी था पिताजी। हाँ राणा का नाम तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझे। तो क्या तुम दोनों पिताजी को चीट करते रहे। तो क्या तुम मुझे इसीलिए गोलियां खिलाते रहे पिताजी। इसीलिए नहीं, मैं इसलिए गोलियां खिलाते पिताजी को क्या हुआ। मेरी आपकी इच्छा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो सभी को मंजूर हो। मंजूर है। मंजूर है। हाँ, हमें भी मंजूर है। अरे तो ये सब क्या हो रहा है। तो सुनिए, पहला नाम है अरे प्रोफेसर पानीराम। प्रोफेसर पानीराम को 1000 ग्राम गोलियों के बदले और मुझे चीट करने के बदले दफा 110 के अंदर 6 महीने तक इस घर में आने की सजा देता हूँ। काश मैं अपने दोस्त को गोलियां न खिलाता। और बेटे आकाश, भैया तुम्हारे लिए भी है। क्या है। और बेटे आकाश को 5 दर्जन पंजाबों के साथ 6 दर्जन नाने मिले। अरे पिताजी, ताकि फिर कभी उनसे पजामे बिना नाए पिन लगा करने पहनने पड़े। अरे पिताजी, छोड़ के भी गए तो पजामे। और आकाश भैया को 2 महीने पूरे घर का काम करके ये साबित करना होगा कि वो पाताल भैया से कम नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। जज अपना बेटा के माफिक बहुत शरारती है। और चंद्रावती बहन को तुम्हारे लिए छोड़ा है। हाँ हाँ, मैं ना कहती थी, वसीयत में पड़ोसी के लिए भी हक बनता है। चंद्रा बहन को दफा 405 लगाते हुए ज्यादा न बोलने की सजा दी जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर वह 1 महीने तक ईमानदार बनी रही तो। मगर मैं ईमानदार कैसे बनूं? क्यों, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर वह 1 महीने तक ईमानदार बनी रही तो तो इन्हें घर में क्या किचन में भी एंट्री मिल सकती है क्या। हाँ, खाना बनाने के लिए। अच्छा, अब मेरा यहाँ क्या काम, मैं चलती हूँ। रूपा बेटी, रूपा जी आपके लिए भी है। देखिए,
और रूपा बेटी के लिए रूपा बेटी ने जो कुछ किया वह प्रोफेसर के बहकावे में आकर किया, इसलिए उसे जायदाद का 40% और उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद कुछ समझे? और सुने ना बेटी को भाभी, बाकी जायदाद का 60% देते हुए उसे 1 महीने तक अपने पिता से रूट कर रहने का हुक्म मिलता है। 1 महीना तो क्या, मैं पूरी जिंदगी इनसे बात बिटिया बिटिया, मैं अपने किए वो शर्मिंदा हूँ। और पाता बेटे को पाता? अरे पढ़ो यार। हाँ पढ़ो 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 पढ़िए ना। और पाताल बेटे को, हाँ और पाताल बेटे को मेरे घर में नौकर का काम ना करने की तनख्वाह देकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए आज से उसे 300 दरम हर महीने के साथ भरपेट खाना दिया जाए। और इनको सजा नहीं? अरे है सजा, और दफा 555 के तहत पाताल बेटे को उम्र कैद दी जाती है जो उसे रूपा के साथ काटनी होगी। फिर से नर्स में क्यों आ गया? हाँ पिताजी, आप तो छोड़ने थे, फिर से नर्स में आ गए। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बेटे ये भूलना बहुत बुरी आदत है, मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेना भूल गया था। जी हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा नरेंद्र साधवानी की हास्य कला ग्रुप का ये खूबसूरत नाटक विरासत में हिरासत। तो दोस्तों आपका ये छोटा सा सेवक इन कलाकारों का आपसे तारुफ कराना चाहेगा। हमें सबसे पहले तो आभारी होना चाहिए श्री प्रकाश लल्ला और कमलेश राजानी साहब का, जिनके सौजन्य से हमने इस खूबसूरत नाटक का मंचन दोबारा किया, और उनके लिए मैं जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाटक को प्रस्तुत करने वाले थे नरेंद्र साधवानी के हास्य कला ग्रुप के कलाकार। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने एक के बाद एक 4 सुपरहिट नाटक आपके सामने रखे हैं, तो आइए दोस्तों इस नाटक के कलाकारों और उनके साथियों का आपसे तारुफ करा दूं। इस नाटक में आकाश का रोल करने वाले अनवर महफूज और सुनैना जो कि असली बेटी थी उस खूबसूरत किरदार को निभाने वाली फनकारा है कंचन मेहता, और भुलक्कर जस्टिस के ला जफर खान। आहो भैया, अभी तो हम बनीराम को बुलाएंगे कि बनीराम का जो किरदार था वो हमें सबसे बहुत अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगा है? तो बनीराम का किरदार निभाने वाले हैं मिस्टर नंदू, और सबसे खतरनाक रिवॉल्वर की नोक पे बात करने वाले राणा का किरदार निभाया सुशील मेहरा ने। भोली भाली सी, चुलबुली सी चंद्रावती रेशमा मगलानी, और सबसे खतरनाक इस नाटक को घुमावदार मोड़ देने वाली सेक्रेटरी जो सुनैना बनकर आई थी रूपा के किरदार में राज कौर। जोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का इस्तकबाल कीजिए। ये दो आदमी है भाई,
अभी आपके सामने आएगा जिसने शराबी का रोल किया था ना, वो लक्ष्मण राव। वैसे इनके बारे में एक बात जो मुझे अभी नहीं पता चली कि जाती जिंदगी में ये बिल्कुल नहीं जीते, और आपके सामने इन्होंने इस खूबसूरती से शराबी का किरदार निभाया, और इस नाटक की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, इस नाटक के लेखक, इसके निर्देशक यानी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर जो भाई दास यानी पाताल भैया की भूमिका में थे, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। मिस्टर नरेंद्र साधवानी, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। ये इन्हीं की मेहनत, कोशिश और लगन का फल है कि हास्य कला ग्रुप एक साल के अंदर अंदर आपको चार चार नाटक दिखा पाया। उसके साथ ही एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रिंडल फिलिप लुप्ताजा तथा रतंस का, जिन्होंने हमारे कलाकारों के लिए खूबसूरत तोहफे मुहैया किए हैं, और साथ ही मेकअप्स के लिए लुलू ब्यूटी पार्लर और गोविंद राव। लेकिन सबसे पहले जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं आखिर में कर रहा हूँ कि गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स के लिए मैं स्पेशल तालियों की गुजारिश करूंगा, क्योंकि जितने अरसे से हमारा ये ग्रुप बना हुआ है उतने अरसे से उन्होंने हमें हमारी न्यूज दी है, आप लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाया है, और हमें उनसे बहुत बहुत सहकार मिला है। जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। ये तो हुई स्टेज के आगे की बात, अब जरा अंदर की बात करें। स्टेज के पीछे स्टेज मैनेजमेंट नीता नरयाणी, भाई तालियां बजाइए, तालियां बजाने में खर्चा नहीं होता। लाइट एंड साउंड मिस्टर विनोद शिवानी, एंड वीडियोग्राफी बाय रमेश वासवानी। तो दोस्तों ये तो हुई हास्य कला ग्रुप और उसके कलाकारों, उसके साथियों की बात। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक और खबर, एक और खुशखबरी जिसे कह सकते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि मिसेस वीना उत्तम चंदानी ने भी हमारे कलाकारों के लिए कुछ तोहफे भेजाई हैं, और हमारे सूत्रधार मिस्टर नरेंद्र साधानी को सुपुर्द करूंगा। दोस्तों दिनेश हमारा खास दोस्त है, बहुत ही अच्छी इसने अनाउंसमेंट की है। इसने जब मुझसे कहा कि मैं रीढ़ की हड्डी हूं, मैं समझा रीढ़ की हड्डी को बचाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी के पीछे है वो है कमलेश राजानी। कमलेश राजानी की एक वाह शख्स है जिसने मुझे इतना एनकरेजमेंट दिया जब मैं इसे पहली बार मिला था, और मैंने इसे कहा कि मैं ड्रामे लिखता हूं, मैं ड्रामे करना चाहता हूं, अपना ग्रुप बनाना चाहता हूं। इसने कहा गो अहेड, और मैंने हास्य कला ग्रुप बनाया 92 में। और एक साल में चार सफलतापूर्वक ड्रामे देकर हमने सभी ने मिलकर हास्य कला ग्रुप का नाम नंबर 1 किया UAE में। यह ड्रामा हम लोग पिछले साल खेल चुके हैं। मैं चाहता था कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, क्यों एक बार सिर्फ ड्रामा पेश करें, क्यों ना दूसरी बार करें, और कमलेश का हमें पूरा सपोर्ट मिला है, कमलेश राजा ने। दोस्तों साथ में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जैसे प्रिमडल ट्रेडिंग कंपनी, फिलिपिनो प्लाजा और रतन, इन्होंने हमें कुछ गिफ्ट भेजी हैं, हमें एनकरेजमेंट दिया है, और हर वक्त ये लोग हमें एनकरेज करते रहते हैं। साथ ही गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स जैसे कि दिनेश ने आप लोगों को बताया, और हमारे साथ है लुलू ब्यूटी पार्लर जो हमारे मेकअप और गेटअप में बहुत साथ देती हैं। आज इस बार हमारे साथ रहे हैं गोविंद राव, उन्होंने भी हमें बड़ी मदद की है। गोविंद राव जी, और ये साउंड सिस्टम अगर आप देख रहे हैं, नरेश रमेश नारंग का भी उसमें बड़ा हाथ रहा है। तो मैं
ये बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फ्यूचर में भी आप अगर हमें इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे तो वी कैन गिव द बेस्ट मोर एंड मोर। गोविंद राव जी चाहे तो जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।